खबर आ रही है कन्नौज से। शीतकालीन सत्र में जनपद के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को स्वेटर वितरण किए जाने का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया। उन्होंने ग्राम जैसोली के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को स्वेटर बांटकर खुशी जताई। उन्होंने विद्यालय में बनाया गया मिड डे मील भी चक्कर चेक किया और भोजन की गुणवत्ता को बेहतर बताते हुए विद्यालय प्रबंध तंत्र की तारीफ की। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा गाए गए स्वागत गीत व देशभक्ति गीत गाकर उपस्थिति जन समुदाय का मन मोह लिया। शासन के निर्देश पर शीतकालीन सत्र में परिषदीय विद्यालय के बच्चों को स्वेटर बांटे जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने सदर विकास खंड के ग्राम जैसोली के प्राथमिक विद्यालय से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय को रंग बिरंगी झालरों व गुब्बारों से सजाया गया। विद्यालय की साफ सफाई भी देखते ही बनी। वहीं जिलाधिकारी ने भी शिक्षकों के प्रयास की सराहना की। उन्होंने सभी बच्चों को स्वेटर बांटे और अच्छी पढ़ाई करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों व शिक्षकों को चाहिए कि वह ईमानदारी से बच्चों की परवरिश करें और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में सहयोग करें, जिससे बच्चे आगे चलकर नाम रोशन कर सकें। रसोईया से डीएम ने पूछताछ की और जैसोली के प्राथमिक विद्यालय में स्वेटर वितरण कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी जब भोजनालय की ओर गए और रसोइयों से बात की तो रसोइयों ने प्रतिदिन राशन लाए जाने की समस्या बताई। इस पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को निर्देशित किया कि विद्यालय में समय से राशन आदि की व्यवस्था की जाए। यदि शिकायत दोबारा मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रसोईया का काम अच्छा मिलने पर सभी 1000 रुपए नगद देकर प्रोत्साहित किया। बच्चों को पुरस्कृत भी किया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम शुभ आरंभ के अवसर पर बच्चों द्वारा गाए गए स्वागत व देशभक्ति गीत पर बच्चों के प्रयास की सराहना की और उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। जिलाधिकारी द्वारा अपनी तारीफ सुनकर बच्चे खुशी से फूले नहीं समाए और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जनपद कन्नौज में प्राथमिक विद्यालय जसोली से हम लोगों ने स्वेटर वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आज प्राथमिक पाठशाला जसोली में सभी बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया और सभी बच्चे बहुत खुश थे स्वेटर पाके। आज यहाँ पर हम लोगों ने MDM भी चखा और ये देख के और इसे चेक कर बहुत खुशी हुई कि उसका क्वालिटी बहुत अच्छी थी। घर में जैसा खाना बनता है उस तरीके से खाना था। यहाँ पर एक बच्ची ने बहुत अच्छा देशगान गाया था और ऐसे बच्चों को हम लोगों को और प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो उसी के क्रम में आज उसे एक कप दे के हम लोगों ने सम्मानित भी किया। अब हमारे जनपद में ही कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो तमाम प्राइवेट विद्यालय से अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा वातावरण उन्होंने तैयार किया है, अच्छा अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उसमें से एक प्राथमिक विद्यालय जसोली भी है। यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं इन्होंने मेरे संज्ञान में आया है कि अपने पास से भी बच्चों को लेगिंग वगैरह दिया है। तो ये एक केवल ये मान के नहीं चलते कि एक हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बल्कि एक जुनून मान के और ये पूरी अंदर से भावना है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक जो भी कर सकते हैं वो करें, अध्ययन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ाएं।